हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैसला आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के ड्रेस बनाने वाले हैं ये हमने तीन नंबर के कान्हा जी को पहनाई है तीन नंबर के लिए ही हमने बनाई है वीडियो में हमने सभी साइज के लिए मेजरमेंट बताया हुआ है और आपको पता ही है कि मेरे पास सभी साइज के खाना जिन लोग अवेलेबल है तो मेजरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चाहे आप किसी भी साइज के लिए बनाएं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तो तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल बेलाइन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहां पर भी फॉलो करिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैसले में लग फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बनाते हैं गोपाल जी के लिए ब्यूटीफुल सी क्रॉच ड्रेस ये देखिए हमने यहाँ पे ये दो कलर में ऊन लिया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाना सबसे पहले और ये देखें टू पॉइंट फाइव में, में क्रोसिया हुक है सबसे पहले हमने इस तरह से ऊन को लेना है और यहाँ पे हम एक लूप बना लेंगे ये देखें एकदम सिंपल और आसान तरीके की मैं ड्रेस बताऊंगी आपको और बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से एक लूप बना लेना है ये देखें ये हमने यहाँ पे एक लूप बना दिया ये इस तरह से अब हम क्या करेंगे इसमें अपने हुक को डालेंगे ये हमने हुक को डाला और यहाँ पे हमने चेन बनानी है ये देखिए ये हमने यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हमने यहाँ पे टोटल बारह चेन बनाई है अभी देखिए यहाँ पे एक चेन हमारे हुक में है इसके बाद हम दो चेन छोड़ेंगे और यहाँ तीसरी चेन में इस तरह से अपने हुक को डालेंगे देखिए इसमें हमने डाला ये फंदे को निकाला तीन फंदे हैं हमने तीन से दो और दो से एक कर लिया फिर हमने इस तरह से किया सेम चेन में डालेंगे और यहाँ से फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीन से दो और दो से एक कर लिया हमने यहाँ पे एक फंदे में दो बार डबल क्रोशिया बना ली एक चेन के अंदर अब फिर देखिए नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे और यहाँ नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए हमने एक बार बनाया और यही सेम चेन में हम डाल के एक और बार बनाएंगे इस तरह से हमें यहाँ सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बना लेनी है ये देखिए फिर यहाँ अगली चेन में हमने डालना है ये फंदे को निकाला है तीन फंदे हैं तो तीन से दो और दो से एक कर दिया फिर हमने इस तरह से किया यहाँ डालेंगे हमने फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तो तीन से दो और दो से एक कर दिया इस तरह से यहाँ सभी चेन में हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे चलिए बना लेती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ सभी चेन में दो दो बार बना दिया डबल क्रोशिया अब क्या करेंगे हमारी एक रो हो गई अपने वर्क को टर्न करेंगे और सेकेंड रो देखें हमने यहां इस तरह से दो चेन बनानी है दो चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई फिर देखिए यहाँ पे सेकेंड चेन में हमने एक बार बनाई और थर्ड चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमारी तीसरी चेन है इसमें हमने यहाँ ये एक बार हुआ और यही सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ये देखिए इस तरह से फिर यहाँ दो चेन में एक बार बनाना है और तीसरी चेन में दो बार बनाएंगे ये देखिए दो चेन में ये एक बार हुआ और तीसरी चेन में हमने दो बार बनाना है इस तरह से हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे दो चेन में एक एक बार और तीसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बना के चलिए करती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है ये यह देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई अब तीसरी रो कैसे बनाएंगे यहाँ पे हमने एक चेन बनाई इस तरह से करेंगे और देखिए फर्स्ट चेन में हमने डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीनों को हमने एक साथ उतार दिया इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं देखिए एक चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई दूसरे चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई तीसरे चेन में भी हमने एक बार ही हाफ डबल क्रोशिया बनाई अब चौथे चेन में हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से ये हमने एक बार बनाया सेम चेन में डाल के हम एक बार और बना लेंगे इसी तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है तीन चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया और चौथी चेन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी तीन रो बना ली अब आप ये वाली रो बहुत ध्यान से देखें इसमें हम अपनी स्लीव भी बनाएंगे और देखें इस तरह से हमें एक दो हमने दो चेन बनाई ऐसे करेंगे यहाँ फर्स्ट चेन में हमने डाला अब डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं ये देखें ये इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाई एक बार और जो हमने यहाँ पे चेन बनाई थी उसे भी हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से हमारे यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हो गया है अब देखें यहाँ पे ये हमारा तीन डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे ये हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा पाँचवा है ये देखें ये हमारा पांच डबल क्रोशिया हो गया अब हमें यहाँ पे फंदे स्किप करने हैं तो देखिए हम किस तरह से स्किप करेंगे इसे हम इस तरह से ऐसे फंसा लेंगे फंसाने के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात सात चेन के बाद देखिए मैं आठवें चेन में से डाल रही हूँ जो हमने स्किप किया है वो हमारी स्लीव पे आ जाएगा और यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यहाँ पे ये यह हमारी स्लीव आ गई है ये हमारी स्लीव बन गई अब हम इस तरह से बनाते हुए डबल क्रोशिया आगे तक चलेंगे देखें हमने यहाँ एक चेन में बना लिया ये दो चेन में हो गई ये हमारी तीन चेन में हो गई ये चार चेन में हो गई ये देखिए यहाँ तक हमने चार चेन में बना लिया है और सेम तरीके से हम चार चेन में और बनाएंगे ये हमारा आगे का पल्ला है ये देखें ये हमारा पाँचवीं चेन में हो गई ये हमारी छठी चेन में हो गई ये सातवीं चेन में हो गई और ये हमारी आठवीं चेन में हो गई हमने यहाँ पे आठ चेन में बना लिया फिर इस तरह से करेंगे और देखिए दूसरी साइड की स्लीव के लिए छोड़ेंगे तो देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात सात छोड़ने के बाद ये आठवें में हमने डाला और इस तरह से हमने इसे बुन दिया ये हमारी दूसरी साइड की स्लीव आ गई देखिए हमने अभी यहाँ एक चेन में बुना है फिर यहाँ हम दूसरी चेन में बुन देंगे ये हमारा तीसरी चेन में हो गया तीन हो गया ये हमारा चार हो गया और यहाँ से ये हमारा लास्ट पाँच हो गया अगर आप स्टार्टिंग में भी देखेंगे तो हमने यहाँ पे पाँच में ही बनाया है पाँच ही है हमारी तो देखिए ये इस तरह से इसका लुक आएगा हमारी चोली का ये देखें यहाँ से स्लीव आ गई और ये हमारा बीच वाला हिस्सा हो गया अब देखिए यहाँ पे हमें एक सीधी सी लाइन मिल जाएगी अब हमें इसी पे बुनना है तो यहाँ से हमें हाफ डबल क्रोशिया बुननी है ये देखें किस तरह से बुनेंगे अपने वॉक को ऐसे आप टर्न कर लें यहाँ ये यह हमने टर्न किया और टर्न करने के बाद यहाँ सबसे पहले एक चेन बनाएंगे फिर इस तरह से देखिए फर्स्ट चेन में ही हमने डाल के एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई फिर यहाँ सेकेंड चेन में डालेंगे इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई फिर देखें थर्ड चेन में सभी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ एंड तक आएंगे चलिए बनाती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है ये देखिए हमारी यहाँ पे चोली कंप्लीट हो गई है तो अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो चोली की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सभी साइज के लिए तो आप वहाँ से देख के चोली बना लें और आप में से ज़्यादातर लोगों को चोली बनाने आती भी होगी तो देखिए आप इस तरह से किसी भी साइज के लिए चोली बना लें अब चोली की बात हम जिस तरह से पैटर्न शुरू हो रहे हैं कर रहे हैं सभी साइज में आपको इसी तरह से स्टार्ट करना है तो देखिए यहाँ पर एक रो तो मैं इसी कलर से इसे बुनूंगी तो देखिए किस तरह से बुनना है यहाँ पर हमने ये इस तरह से लिया ये देखिए एक दो चेन बनाई और यहाँ फर्स्ट चेन में ही हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए हमने एक बार बनाया और ये हमारा अब घेर यहाँ से स्टार्ट हो गया ये हमने दो बार बनाया यहाँ पे हमने दो बार बनाया सभी चेन में हमें दो दो बार डबल क्रोशिया बना लेनी है फिर देखिए नेक्स्ट चेन में हमने डाला यहाँ पे ये यह हमने एक बार बनाया और यही सेम चेन में हम एक और बार बना लेंगे दो बार हो गया फिर देखिए यहाँ हमने अगली चेन में डाला और इस तरह से हमने ये एक बार और यही सेम चेन में हमने एक और बार बना दिया इस तरह से हम यहाँ सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे चलिए बना लेती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी एक रो बना ली है अब हम क्या करेंगे यहाँ से अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम सभी साइज में आपको यही करना है कोई भी चेंज नहीं होगा ये देखिए दो चेन हमने बनाई और दो चेन के बाद यहाँ फर्स्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया देखें ये सेकेंड चेन में हमने एक बार और यहाँ थर्ड चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये एक बार हुआ और ये दो बार हुआ इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे दो चेन में हमने एक एक बार और तीसरी चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनानी है ये देखें एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये देखिए इस तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है चलिए करती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी रो कंप्लीट कर दी है सेकेंड वाली अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे ये देखें ये इस तरह से हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद यहाँ से अपने वॉक को टर्न करेंगे ये देखिए अब यहाँ से हम अपना सेकेंड कलर लगाना स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर मेजरमेंट बता देती हूँ ये मैंने तीन नंबर के कानाजी के लिए बनाया है तो मैंने यहाँ पे घेर पे दो रो बनाई है यहाँ के घेर की रो भी हमारी छोटी बड़ी होगी सभी साइज में तो मैं मैं आपको बता देती हूँ अब देखिए मैंने यहाँ पे तीन नंबर के कहाना जी के लिए दो रो बनाई है जीरो साइज में और एक नंबर में आपको सिर्फ एक ही रो बनानी है सभी चेन में आप दो दो बार डबल क्रोशिया बना लें इसके बाद ही आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा और दो नंबर तीन नंबर में आप दो दो रो बना लें जैसे कि मैंने यहाँ तीन नंबर में बनाया सेम ऐसे आपको दो नंबर में बना लेना है और चार नंबर और पांच नंबर में भी आप तीन तीन रो बनाएं जैसे कि देखिए एक रो है दो रो और तीसरा रो अभी मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे रो में कितना फंदा बढ़ाना है चौथे में कितना बढ़ाना है पांचवे में और छठे में सब मैं आपको बताऊंगी पहले आप रो देख लें कि कितनी बनानी है छह और सात नंबर में हमने चार चार रो बनानी है आठ और नौ नंबर में हमने पांच पांच रो बनानी है दस नंबर में हमें छ रो बनानी है चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इंक्रीज करना है देखिए सबसे पहली रो हमने बनाई तो सभी चेन में हमने दो दो बार डबल क्रोशिया बनाया है सेकेंड रो हमने बनाई तो हमने दो चेन स्किप की तीसरे चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाया फिर हमने दो चेन में एक एक बार फिर तीसरे चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से अपनी ये रो कंप्लीट की अब यहाँ पे आप तीसरी रो कैसे बनाएंगे आपको क्या करना है तीन चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया और चौथी चेन में दो बार डबल क्रोशिया या फिर तीन चेन में एक एक बार और चौथी चेन में दो बार डबल क्रोशिया इस तरह से अपना ये तीसरा रो कंप्लीट करना है और चौथे रो में हम क्या करेंगे चार चेन में एक एक बार और पांचवें चेन में दो बार डबल क्रोशिया चार चेन में एक एक बार पांचवें चेन में दो बार डबल क्रोशिया और पांचवें चेन में क्या करेंगे पांच चेन में एक एक बार और छठे चेन में दो बार डबल क्रोशिया और सात छह ही तक तो है और सातवां मान लीजिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो छह चेन में एक एक बार और सातवें चेन में दो बार डबल क्रोशिया इस तरह से आप इसे लंबा कर सकते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया आप जब आपका ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाए जितनी जितनी रो मैंने बताई है तभी आप यहाँ पे इसे ज्वाइंट करें नहीं तो आपको कान्हा जी को पहनाने में दिक्कत होगी देखिए इतना ऐसा खुला है तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी अब हमें यहाँ पे अपनी डिजाइन स्टार्ट करनी है हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे आप देखें बहुत ही खूबसूरत से हम डिजाइन बनाने वाले हैं यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ये हमने यहाँ पे चेन बनानी है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यहाँ हमने सोलह चेन बनाई अब देखिए ये एक चेन हमारे हुक में है तो इसे भी मैं छोड़ती हूँ देखिए ये एक हमारे हुक में थी ये दो तीन चार पाँच ये हम पाँच चेन और ये जो हमारी छठी चेन है इसमें हमें डाल के बुनना है तो यहाँ मैंने उंगली से ऐसे टाइट पकड़ लिया अब यहाँ से इसे हम ऐसे फंसा लेते हैं और देखिए मैं छठी चेन में ही डाल के बुनूंगी यहाँ पे इस तरह से ऐसे ही आपको सभी साइज में करना है देखिए ये इस तरह से हमने यहाँ पे दो बार लपेटा और ये हमारी जो छठी चेन है इसमें हमने अपने हुक को इस तरह से डाला यहाँ से फंदे को निकाला अब देखें यहाँ पर हमारे चार फंदे हैं सबसे पहले एक फंदे से एक बार फिर देखें दो फंदे से एक बार फिर दो फंदे से एक बार और फिर दो फंदे से एक बार ये देखिए यहाँ पे हमारा सेम तरह का डिज़ाइन दो बार हो चुका है जो हमने चेन स्किप की थी उसे भी हम एक डिज़ाइन ही मानते हैं तो हमारा दो बार हो चुका है अब हम क्या करेंगे दो बार लपेटेंगे यहाँ नेक्स्ट चेन में हमने डालना है और डालने के बाद देखिए हम इसे बढ़ाएंगे अपने फंदे को किस तरह से कि हमने यहाँ पर चार बार है तो सबसे पहले दो फंदे से एक बार फिर दो फंदे से एक बार फिर दो फंदे से एक बार फिर हमने इसे इस तरह से लपेटा यहाँ पर देखें इस तरह से डाला फंदे को निकाला हमारे चार फंदे हैं तो दो फंदे से एक बार फिर दो फंदे से एक बार फिर दो फंदे से एक बार ये देखिए हो गया फिर हम इस तरह से अब एक बार लपेटेंगे और देखें यहाँ अगली चेन में हम डाल देंगे तो अगली चेन में देखिए इस तरह से हम डालते हैं और यहाँ से हमने फंदे को निकाला तीन फंदे हैं सबसे तो पहले एक फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इसे एक बार लपेटा सेम चेन में डालेंगे डालने के बाद हमने फंदे को निकाला देखें तीन फंदे हैं तो ये एक फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार ये इस तरह से हो गया अब यहाँ पे हमें क्या करना है देखिए हमने यहाँ पे तीन चेन में अपने छह फंदे बना लिए हैं ये देखे दो दो चार दो तीन चेन में हमारा ये छह हो गया है मतलब कि हमारा तीन डिजाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आप बहुत ध्यान से देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूं ये देखें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हमें यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है ये हमने ऐसे किया देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे ये हमने यहाँ अगली चेन में डाला और ये हमने इस तरह से फंदे को निकाला देखिए तीन फंदे हैं तो ये हम दो फंदे एक बार फिर दो फंदे एक बार हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई फिर देखिए नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे और यहाँ पे हमने इस तरह से फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तो दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार हमने यहाँ पे देखिए दो बार बना ली है दो चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया बना ली अब यहाँ तीसरी चेन में हम दो बार बनाएंगे ये हमारी तीसरी चेन है इसमें हमने देखें ये एक बार डबल क्रोशिया बनाई और यहीं सेम चेन में हम एक और बार डबल क्रोशिया बना देंगे ये देखें इस तरह ये से हो गया फिर यहाँ दो चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया बना लेना है यहाँ पे इस तरह से डालते हैं और देखें तीन चेन है तो ये हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हमें दो बार बना लेना है अब देखिए इसके बाद जो चेन आ रही है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमारा एक बार हो गया और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बना लिया ये देखिए इस तरह से हो गया फिर यहाँ हमें वही चीज करनी है ये देखिए इस तरह से ये हमने एक चेन में बनाया और ये दो चेन में बनाया अब हमारी यहाँ पे चेन ही नहीं बची है कि हम उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे तो देखें किस तरह से ज्वाइंट करना है हमने ये ये देखिए यहाँ पे आ रहा है मैं अभी आपको चेन गिन के बता देती हूँ ये देखिए ये एक दो, दो चेन स्किप करने के बाद तीसरी चेन में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे ये हो गया ये इस तरह का हमारा डिजाइन आया है यहाँ पे अब हमें यहाँ पे अपना दूसरा कलर लगाना है तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे हम लगाएंगे अब देखिए सेकेंड कलर हमें लगाने से पहले क्या करना है इसे हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे ये देखिए इस तरह से हमने इसे स्लिप स्टिक से जोड़ा फिर यहाँ पे फंदा निकला फिर हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे देखें हमने इसे इस तरह से निकाल लिया दूसरी चेन में फिर देखिए यहाँ पे मैं तीसरी चेन में भी डालूंगी और यहाँ से ये इस तरह से इसे निकाल लेंगे और फिर चौथी चेन में हम डालेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से निकाल लेंगे अब देखिए इसे लंबा करके छोड़ देंगे और अब हम यहाँ पर अपना सेकेंड कलर लगाएंगे दूसरा कलर तो चलिए लगा लेते हैं ये देखिए हमने यहाँ तक इसे कर दिया है और अब मैंने यहाँ पर देखिए रेड का जगह ऑरेंज कलर ले लिया मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखिए हमने इस चेन में इसे जोड़ा हुआ है तो इसके बाद हम ये दो दो चेन छोड़ने के बाद यहाँ तीसरी चेन में हम इसे अटैच करेंगे ये तीसरी चेन में हमने इस तरह से इसे अटैच कर लिया ये देखें यहाँ पे ये हो गया हमारा ज्वाइंट और यहाँ से खींच के थोड़ा सा पीछे से छोटा कर लेंगे बहुत ज्यादा लंबा निकला रहता है तो देख के वो अच्छा नहीं लगता है और इस तरह से करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है ये देखें ये ऐसे करेंगे हम और यहाँ फर्स्ट चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने इस तरह से फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाई ये देखें ये हमने एक बार बनाया और यही सेम चेन में हम एक और बार बना लेंगे जब भी हम स्टार्ट करेंगे इसी तरह से स्टार्ट करेंगे देखें फर्स्ट चेन से ही हमें दो बार बना लेना है और इसके बाद हम क्या करेंगे और ये देखें यहां से इस तरह से हमने डाला और दो चेन में एक एक बार और तीसरे चेन में दो बार बनाना है तो देखें ये हमने अपनी दूसरी चेन में बना लिया एक बार और तीसरी चेन है यहाँ तो इसमें हम दो बार बनाएंगे ये देखें ये इस तरह से हमने ये एक बार और यही सेम चेन में एक और बार बना दिया ये इस तरह से ये देखिए ये हो गया और फिर हम क्या करेंगे यहाँ ये देखें ये इस तरह से हमें करना है ये हमें देखिए एक चेन और ये हमारी दूसरी चेन में हमने एक एक बार बना लिया अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली चीज क्या है देखिए जब हमने यहाँ पे अपनी फोर्थ ट्रो बनाई थी ये वाली यहाँ हमने अपने तीन फंदे में छः फंदा किया था फिर हमने दो फंदा बुना था फिर एक फंदे में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाई थी तो यहाँ हमारी एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा हो गई फिर हमने दो फंदा बुना था एक फंदे में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाई थी मतलब टोटल हमने यहाँ जब हमने यहाँ से अपना पैटर्न स्टार्ट किया था तो दो फंदे में हमने अपने दो दो बार डबल क्रोशिया बनाई थी तो जो जो पैटर्न हमारा फर्स्ट वाली रो में रहेगा वही हमारा सेकेंड वाली रो में रहेगा जैसे कि देखिए हमने यहाँ स्टार्टिंग में ही एक फंदे में दो बार बना लिया और एक बार यहाँ आ गया है हमारे एक फंदे में दो बार आप समझ रहे होंगे ये देखिए हमारा यहाँ पे भी दो बढ़ गया है यहाँ पे भी हमने दो ही बढ़ाया था तो यहाँ पे भी हमारा दो बढ़ गया है तो अब हम यहाँ पे अपना लास्ट वाला पैटर्न स्टार्ट कर देंगे किस तरह से बुन देना है मैं आपको बताती हूँ ये देखें यहाँ से हम इसे इस तरह से बुनेंगे ये हमने ऐसे किया और यहाँ फर्स्ट चेन में डालेंगे ये हमने फंदे को निकाला देखें और यहाँ पे ये यह एक फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इस तरह से किया सेम चेन में डालेंगे ये हमने एक फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार देखिए दो हो गया फिर हम इसे दो बार लपेटेंगे नेक्स्ट चेन में डालेंगे चार फंदे हैं तो दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इसे दो बार लपेटा यहाँ नेक्स्ट चेन में डालेंगे चार फंदे हैं तो दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इसे दो बार लपेटा यहाँ अगली चेन में डालेंगे देखिए यहाँ पे हमारे टोटल चार फंदे हैं तो ये एक फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार देखिए हमने यहाँ पे फिर इसे दो बार लपेटा यहाँ नेक्स्ट चेन में डालेंगे चार फंदे हैं एक फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार इस तरह से हमने बना दिया अब यहाँ पे लास्ट में हमने क्या करना है इसे नॉट लगा के कट कर देना या फिर आप चाहें तो देखें इस तरह से एक दो तीन और चार चेन बना के इसे यहाँ पे नेक्स्ट चेन में अटैच कर सकते हैं इससे क्या होगा कि लास्ट वाली फिनिशिंग आपकी अच्छे से आ जाएगी यहाँ पे अच्छे सी फिनिशिंग आ जाएगी नॉट आने की वजह से वहाँ पे थोड़ी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं अब हम यहाँ पे अपने धागे को कट कर देंगे ये यह देखें यहाँ पर इस तरह से हमने इसे कट कर देना है आप अगर एक रो बना लेते हैं तो उसकी बाद वाली रो आपकी सेम वैसे ही बनती चली जाएगी ये देखिए हमने यहाँ पे दो रो बना ली है अब फिर हमें अपने फंदे को ये जो हमने यहाँ तक किया हुआ है इसे हम और आगे करेंगे क्योंकि देखिए हमें दो दो चैन का गैप देना है यहाँ से हमारा ज्वाइंट है तो यहाँ पे एक दो चैन का गैप देने के बाद यहाँ तीसरी चेन से हमारा स्टार्ट होगा डिजाइन तो देखिए सेम तरीके से हमारा स्टार्ट हो जाएगा डिजाइन ये हम इसे यहाँ से तीसरी चेन तक कर लेते हैं ये उल्टा करके करना होगा क्योंकि हमने इसे इधर से ही बुना था तो देखिए यहीं से हम इसे कर लेते हैं ये आपका बस एक बार ऐसे करना पड़ेगा आपको उसके बाद आपका वहाँ से ज्वाइंट होता चला जाएगा ये यह देखिए यहाँ नेक्स्ट चेन में हमने डाला फंदे को निकाला ये इस तरह से कर लिया फिर यहाँ अगली चेन में डाला फंदे को निकाला इस तरह से कर लिया अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारी एक दो, दो चेन का गैप होके हमारे तीसरे चेन में ये जुट गया है तो इस तरह से करेंगे और यहाँ हम फर्स्ट चेन में ही दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ये देखिए ये हमने एक बार बनाया और यहीं सेम चेन में हम एक बार और बना लेंगे हमने डबल क्रोशिया एक बार बढ़ा लिया है फंदे को अपने अब देखिए यहाँ पे हम फिर ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट चेन में हमने डाला ये देखें ये हमने एक बार ये हमने दो बार बनाया और यहाँ तीसरी चेन में हम दो बार बना लेंगे दो चेन में हमने एक एक बार बनाया तीसरी चेन में हम दो बार बनाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ देखें दो चेन में एक एक बार बनाएंगे एक और ये दो और फिर हम अपना वही छः वाला डिजाइन स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे तो इस तरह से करना है नेक्स्ट फंदे में डाला देखें तीन फंदे हैं एक फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इस तरह से किया यहाँ पे सेम चेन में डालेंगे एक फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने अब दो बार इसे किया यहाँ अगली चेन में डालेंगे चार फंदे हैं तो दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार और दो फंदे को एक बार फिर हमने इस तरह से किया यहाँ नेक्स्ट चेन में डालेंगे चार फंदे हैं दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इसे दो बार इस तरह से किया यहाँ नेक्स्ट में डालेंगे। चार फंदे हैं एक फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इसे इस तरह से किया यहाँ सेम डालेंगे देखें एक फंदे को फिर दो फंदे को फिर दो फंदे को फिनिशिंग लाने के लिए एक दो तीन आप चाहे तो एक और बना लेती हूँ चार चेन बना सकते हैं तीन चेन बना सकते हैं फिर यहाँ लास्ट में से हम स्लिप स्टिच जोड़ लेंगे कट कर लेना होगा से इस तरह से हो गया है ये कुछ ऐसा पैटर्न आएगा हमारा ये देखिए अब फिर हम यहाँ से अपने फंदे को उठा के जोड़ लेंगे मैं आपको बता देती हूँ ये देखें ये हमारा एक दो चेन यहाँ से जुड़ा था फिर एक दो चेन का कैप देने के बाद तीसरी चेन हमारी यहाँ है तो हम यहाँ से अटैच करेंगे तो हमने अब अपना ऑरेंज कलर लगाना है बुनाई हमारी सेम रहेगी जब मैं ये अपना पूरा पैटर्न कंप्लीट करूँगी फिर मैं आपको सभी साइज में मेजरमेंट बताऊंगी ये देखिए इस तरह से हमने किया और यहाँ अपनी फर्स्ट चेन में ही डाल के हमें दो बार डबल क्रोशिया बुन देना है ये हमने अपनी फर्स्ट चेन में डाला फंदे को निकाला ये हमारा एक बार हुआ और यहीं सेम चेन में हम एक और बार बुन देंगे ये दो बार हो गया अब यहाँ देखिए एक एक बार बुनना है दो चेन में ये एक बार हुआ फिर अगली चेन में हमारा एक बार हुआ फिर देखें इसे हम दो बार लपेटेंगे सॉरी मैंने दो बार लपेटिया नेक्स्ट चेन में हमने दो बार बना लेना है ये एक बार हो गया और यही सेम चेन में हमारा एक और बार हो गया फिर देखें यहाँ नेक्स्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनानी है फिर अगली चेन में हमें एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है और फिर अगली चेन से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा एक बार लपेटेंगे इसमें डाला हमने देखें तीन फंदे हैं सबसे पहले एक फंदे को फिर दो फंदे को फिर दो फंदे को फिर हमने इस तरह से किया यहीं सेम जगह डाल देंगे एक फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार और इसके बाद हमने दो बार लपेटना है नेक्स्ट चेंज में डालेंगे चार फंदे हैं तो दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार फिर हमने इसे दो बार लपेटा सेम चेन में डालेंगे दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इसे दो बार लपेटा नेक्स्ट चेन में डालेंगे चार फंदे हैं तो एक फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार फिर हमने इसे दो बार लपेटा यहां सेम चेन में डालेंगे चार फंदे हैं एक फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार दो फंदे को एक बार उस देखें एक दो तीन और चार चार चेन बनाने के बाद हम इसे यहीं पर स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे ये देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे ये हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा यहाँ से नॉट लगा के कट कर देंगे ये ये इस तरह से होता है। ये देखें ऐसे ही हम अपना यहाँ पे कलर लगाते चले जाएंगे और बुनते चले जाएंगे ये हमारा पूरा ऐसे राउंड पे आएगा तो चलिए मैं यहाँ पे इसे पूरा बुन लेती हूँ फिर मैं आपको सभी साइज के लिए बताऊंगी मेजरमेंट ये देखिए हमने यहाँ पे इसके पूरे राउंड पे बना दिया है ये बहुत ही खूबसूरत आ गया है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने देखें ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस टोटल यहाँ पे बाईस रो बनाई हुई है और अब मैं यहाँ पे आपको सभी साइज में मेजरमेंट बता देती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी अपनी तो यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग की थी ये हमने अपने सोलह चेन से स्टार्टिंग की थी तो सबसे पहले आप देख लें कि सभी साइज में आपको कितनी कितनी चेन से स्टार्टिंग करनी है ये देखें जीरो साइज में आपको सात नंबर सात चेन से स्टार्टिंग करनी है एक नंबर में दस चेन से दो नंबर में तेरह तीन नंबर में सोलह चार नंबर में उन्नीस पाँच नंबर में बाईस छः नंबर में पच्चीस सात नंबर में अट्ठाईस आठ नंबर में इकतीस नौ नंबर में चौंतीस और दस नंबर में हमने सैंतीस चेन से स्टार्टिंग करनी है स्टार्टिंग करने के बाद हमारा पैटर्न सेम रहेगा बस हमारी थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते ही तीन चेन में हमने छह बार बना लिया था हमने यहाँ पे स्टार्ट करते ही तीन चेन में छह चे बार बना लिया था तो यही आपका चेंज होगा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से चेंज होगा ये देखें ये तीन नंबर में हमने तीन चेन में बना लिया था चार नंबर में भी हमें तीन चेन में बनाना है फिर देखिए पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको सही से समझा दूंगी क्या आपको करना है अब देखिए हमने यहाँ पे तीन नंबर के कान्हा जी के लिए तीन चेन में छ बार किया फिर हमने दो चेन का गैप दिया एक बार डबल क्रोशिया बनाई दो चेन में फिर से आप सुनिए मैं क्या बोल रही हूं हमने यहाँ पे तीन चेन में छह बार बनाई उसके बाद हमने दो चैन का कैप दिया तीसरे चैन में हमने फिर दो बार बना लिया फिर हमने दो चैन में एक एक बार और तीसरे में दो बार बना लिया इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट हो गया आपको भी सेम पैटर्न रखना है बस यहाँ पे हमने जो तीन चैन में छह बार बनाया है यही हमारा कम और अधिक होगा बाकी सभी साइज में हमें यहाँ पे दो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया और तीसरे चेन में दो बार डबल क्रोशिया बुननी है तो चलिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ देखिए यहाँ पे आपको जीरो साइज एक नंबर और दो चेन में अपना दो चेन में ही आपको सिर्फ आगे की जो दो चेन रहेगी उसे में आपको चार बार बना लेना है बाकी आप उसके बाद दो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया फिर तीसरे चेन में दो बार डबल क्रोशिया बना के अपना ये रो कंप्लीट करें और देखें उसके बाद आपको तीन और चार नंबर में सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने इसमें किया हुआ है यहां हम चार तीन चेन में छह बार बना लेंगे और फिर दो चेन में एक एक बार फिर अपना तीसरे चेन में दो बार फिर दो चेन में एक एक बार तीसरे चेन में दो बार और आप देखें पाँच और छह नंबर में हमने क्या करना है पाँच और छह नंबर में हमें यहाँ पे ये यह जो हमने तीन चेन में बनाया है ये हमें चार चेन में दो दो बार बना लेना है मतलब स्टार्टिंग में ही ये आठ बार हो जाएगा हमारा उसके बाद दो चेन में एक बार और तीसरे चेन में दो बार डबल क्रोशा बनाएंगे दो चेन में एक बार और तीसरे चेन में दो बार डबल क्रोशा बनाएंगे और सेम वैसे ही हमारा सात और आठ नंबर में होगा यहाँ हमारा वही तीन चेन की जगह यहाँ पाँच चेन में दस बार बन जाएगा और नौ नंबर में वही होगा हमारा ये देखें तीन चेन की जगह छह चेन में हमारा बारह बार बन जाएगा फिर दो चेन के बाद तीसरी चेन में डबल क्रोशिया दो बार बना लेंगे इस तरह से हमें अपना फर्स्ट रो कंप्लीट करना है सेकेंड रो में बस हमें यही यह गिनना होगा कि जब हमने फर्स्ट रो बनाया है तो दो चेन गैप करने के बाद हमने तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाई है वो हमने कितनी बार बनाई है जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने दो चैन गैप करने के बाद एक बार डबल क्रोशिया बनाई है दो बार फिर दो चैन गैप करने के बाद हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाई है टोटल हमने यहाँ पे दो बार डोल क्रोशिया बनाई है मतलब दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा हुए हैं तो वही हमें अपना चीज़ गिन के इधर चलना है यहाँ जब हम अपनी बुनाई करेंगे सेकेंड रो वाली तो यहाँ पे भी हमें दो बार बढ़ा लेना है ऐसे ही आपको सभी साइज में गिन लेना है कि आप बीच में कितने बार बढ़ा रहे हैं वही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेना है बाकी हमारा पैटर्न सेम रहेगा आप किसी भी साइज के लिए बनाएं कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैंने आपको बहुत ही क्लियर बहुत अच्छे से समझाया है डिज़ाइन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं अब हमें क्या करना है इस पर एक फ्लार बना के लगाना है और यहाँ सब हम स्टोन बटन्स लगा देंगे जिससे हमारी ड्रेस देख के अच्छी लगे तो फ्लार मैं एकदम सिंपल और आसान तरीका का आपको बताऊंगी अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो ये देखिए हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर का ऊन लिया है इससे यहाँ एक लूप बना लेते हैं ये देखिए ये इस तरह से हमने लूप बनाई और लूप बनाने के बाद हम क्या करेंगे इसमें अपने हुक को डालेंगे और यहाँ से फंदे को टाइट करेंगे ये हमने टाइट किया अब देखिए हमें यहाँ पे चेन बनानी है ये हमने एक दो तीन और चार हमने चार चेन बनाई अब यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ये देखिए हमारा यहाँ छोटा सा सर्कल तैयार हो गया है अब क्या करना है एक दो तीन चार चार बार हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाई अब इसे हम यहाँ स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच इस की हेल्प से जोड़ दिया फिर हमें यहाँ पे वही चीज करना है एक दो तीन चार चार चेन बनाई यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच इस की हेल्प से जोड़ देंगे ये देखें ये इस तरह से हमारा जुड़ गया फिर वही चीज़ हमारी रिपीट हो जाएगी चार चेन बनानी है एक दो तीन चार और यहाँ इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देना है ऐसे ही हमें यहाँ पे टोटल पांच बार करना है हमने तीन बार कर दिया दो बार और कर लेते हैं हमारा फ्लार कंप्लीट हो जाएगा ये रहा हमारा ये छोटा सा फ्लार कंप्लीट हो गया है इसे हम अपनी ड्रेस पे यहाँ इस तरह से अटैच कर देंगे बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखें अब हमें क्या करना है थोड़ा सा आउटलाइन कर लेते हैं अपनी ड्रेस के ऊपर किस तरह से करेंगे ये देखें सिंगल क्रोशिया बनाने और देखिए पीछे से यहाँ से मैंने बांधने के लिए चेन बना ली है आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे चिटचाट बटन लगा सकते हैं इस तरह से बंद करने के लिए बट मैंने यहाँ पे चेन बना ली है अब ये देखिए इसकी ये स्लीव जो है यहाँ पे इस पर ही हमने आउटलाइन करनी है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऑरेंज कलर से तो ये हमारा आउटलाइन आ जाएगा ये देखिए हमने ऑरेंज कलर के उनको इस तरह से लगाया और यहाँ पर सबसे पहले एक चेन बनाएंगे ये देखिए एक चेन बनाई यहाँ पे नेक्स्ट चेन में हमने डाला इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुन देनी है ये देखिए एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत आसानी से आप इसे बना देंगे ये देखें ये इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह से किया उसके बाद यहाँ हमें जितनी भी चेन मिलेगी राउंड पे सभी पे हमें एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है ये देखें आप चाहें तो यहीं से फुल स्लिप कर सकते हैं जहां मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूं यहां पे आप डबल क्रोशिया बना के इसे लंबा कर दें तो ये आपका फुल स्लिप का हो जाएगा बट मैं यहां पे सिर्फ आउटलाइन कर रही हूं सिंगल क्रोशिया ही बना रही हूं ये देखें ये इस तरह से हमें बुन देना है बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है और इसे बनाना भी उतना ही ईजी है ये यह देखें यहाँ से करके हमने लगभग अपनी आउटलाइन कर ही दी है बस थोड़ा सा हमारा रह गया है ये देखिए यहाँ से अब हम आएंगे यहाँ और इसमें से निकाल के कर देंगे पूरी गोलाई पे हमें करना है जितनी भी हमारी स्लीव की गोलाई है और ये रही हमारी चेन और अब हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इसे जोड़ देना है तो ये हमने इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ दिया अब यहाँ पर हम इसे नॉट लगा के कट कर देंगे तो ये हमारी आउटलाइन हो गई है ये देखिए ये स्लीव पे आ गई इस तरह से आउटलाइन हमारी यहां जैसे कानाजी की स्लीव आएगी अब सेम तरीके से हम इधर भी करेंगे चलिए कर लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखिए यहाँ पे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है इसपे हमने ये एक स्टोन बटन लगा दिया बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखे अभी मैं कानाजी को पहना के भी दिखाऊंगी इसे हम ऐड करते हैं और अब हम कैप बना लेते हैं पगड़ी के लिए देखिए हमने यहाँ पे पैतीस चेन बनाई हुई है सभी साइज में आप देख लें कि आपको कितनी कितनी चेन बनानी है जीरो साइज में आपको बीस चेन बनानी है एक नंबर में पच्चीस दो नंबर में तीस तीन नंबर में पैंतीस चार नंबर में चालीस पांच नंबर में पैंतालीस छह नंबर में पचास सात नंबर में पचपन आठ नंबर में साठ नौ नंबर में पैंसठ और दस नंबर में हमने सत्तर चेन बनानी है हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे तीन चेन छोड़ेंगे एक हमारे हुक में इसके बाद दो चेन छोड़ेंगे और ये देखें चौथी चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने इस तरह से डाला और ये यह देखें यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना दी फिर हमने इस तरह से किया यहाँ नेक्स्ट चेन में हमने डाला फंदे को ये निकाला तीन फंदे हैं तीन से हमने दो और दो से हमने एक कर दिया फिर हमने इस तरह से किया यहाँ नेक्स्ट चेन में डालेंगे ये हमने निकाला तीन फंदे हैं तीन से दो और दो से एक कर दिया इस तरह हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे चलिए बना लेती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे एक कलर से बना के इसे नॉट लगा के कट कर दिया अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर लगा लेते हैं और इसे भी हम एक रो बुनेंगे ये इस तरह से हमने देखे एक और दो दो हमने चेन बनाई यहाँ से आप चाहें तो ये सब धागे को एक साथ पकड़ सकते हैं ये यहीं पे हमारा कवर हो जाएगा देखिए तीनों धागे को एक साथ हम इस तरह से लपेट लेंगे और लपेटने के बाद यहाँ पे ऐसे साथ में पकड़ लेंगे और यहाँ देखिए हमने इस तरह से दो चेन बनाई है नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने बना दिया फिर हमने इस तरह से किया यहाँ अगली चेन में फिर से हमने डबल क्रोशिया बनानी है ये देखे। देखे। देखें सभी चेन में एक एक बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है ये देखिए तो इस तरह से मैं एंड तक यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के फिर धागे को नॉट लगा के कट कर दूँगी चलिए हम बना लेते हैं फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे दो रो बना ली है तीन नंबर के कान्हा जी के लिए हमने यहाँ पे दो रो बनाई है बाकी साइज में आप देख लें जीरो और एक नंबर में आपको एक एक रो ही बनानी है और दो नंबर और तीन नंबर में आपको दो दो रो बनानी है जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है उसके बाद चार नंबर पांच नंबर में आपको तीन तीन रो बनानी है छह नंबर सात नंबर में आपको चार चार रो बनानी है आठ नंबर नौ नंबर में आपको पांच रो बना लेनी है और दस नंबर में आपको यहाँ पे छह रो बना लेनी है इसके बाद हम क्या करेंगे इसे इस तरह से करेंगे ये देखिए यहाँ पे ऐसे हमें पगड़ी का आपने सेब देना है ऐसे करके और फिर इसे हम यहाँ बैक पे सिल देंगे इधर से इधर इसे और इस साइड से इसे ये देखिए बहुत आसानी से आपका हो जाएगा और फिर हम यहाँ कोई स्टोन बटन लगा लेंगे चलिए मैं यहाँ पे स्टिच कर दी हूँ फिर गोपाल जी को पहना लेंगे हमारी ड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तो चलिए इन्हें पहना लेते हैं और कैप भी हमारी देखिए कंप्लीट हो गई है इस पर भी हमने एक स्टोन बटन इस तरह से लगा दिए है यहाँ से हमने खोल लेना है और यहाँ से इन्हें पहना लेंगे और मेरे पास काफी सारे साइज के गाना जी लोग हैं आप लोग को पता ही है जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो मेज़रमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप आसानी से बना सकते हैं ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इन्हें पहना लेंगे ये बहुत अच्छे से इन्हें फिट आएगी ये देखें चोली काफ़ी अच्छे से एकदम फिट आ गई है अब बैक से भी देखते हैं तो बैक से देखिए आप यहाँ पे चाहें तो चिटचट बटन वगैरह लगा सकते हैं बट मैं अभी देखिएगा यहीं डोरी से बांध दूँगी ये देखिए ये पूरा हमारी चोली कवर हो जाएगी यहाँ ये जो दूसरी वाली हम डोरी यहाँ से निकालेंगे यहाँ कहीं से निकाल लेंगे ये बीस से ये देखिए ये बस अब देखिए ये पूरा हमारी कवर है चोली और फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी ये जो हमारी डोरी है ये हम फ्रंट से फिर बैक पे ले आएंगे और इधर वाले भी डोरी यहाँ से हल्का सा खींचते हुए पहले हम फ्रंट पे ले आएंगे और फिर ये देखिए फ्रंट से हमने बैक पे ले आ ली अब यहाँ से हम इसे बांध देते हैं ये हमने यहाँ पे देखें बांध दिया बांधने के बाद एक नोट और लगा देते हैं इसीलिए मैं डोरी थोड़ी सी लंबी बनाती हूँ जिससे मुझे बांधने में कोई दिक्कत ना हो अब यहाँ से हम अपनी डोरी को पीछे कर देंगे वैसे भी अगर आप अपने कान्हाजी को बाल वगैरह लगाते हैं तो डोरी आपकी वैसे भी नहीं दिखेगी ये देखिए दिखे। पीछे से भी आप देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है और फ्रंट से भी देखिए कितने अच्छे से ये पोशाक इन्हें फिट आ गई है ये रही इनकी कैप तो कुछ इस तरह का इसके साथ लुक आएगा यहाँ पे ये मोड़ जा रहा है इसे हम सीधा कर लेते हैं ये इस तरह से तो ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे